वेलकम बैक टू ठाकुर सौरव व्लॉग। एक बार फिर से हम दोनों के दोनों निकल पड़े भाई पहाड़ों में। भाई साहब कहाँ आए हम बता दो फटाफट से। धनौल्टी। तो धनौल्टी में इस बार हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ ज्यादा घूमने का कुछ नहीं है। ये जगह है भैया पीसफुल, मतलब जिनको शांति पसंद है वो यहाँ आके बैठेंगे, शांति मिलेगी। फीमेल वर्जन नहीं, मन की शांति। और बहुत बढ़िया माहौल है। और जिस होटल के अंदर मैं हूँ वहाँ का अभी रूम टूर भी दूंगा, क्विक टूर दूंगा, और उसके बाद यहाँ की जो एक दो मेन फेमस प्लेसेस है उनको एक्सप्लोर करेंगे। पहले व्यू दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो ब्रो, यो मेरे पीछे है भैया जन्नत का नजारा। मतलब क्या जबरदस्त व्यू है, एक नंबर। वादियां और यहाँ से हिमालयन रेंज दिखती है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले तो बैल्कनी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपनी है बैल्कनी, बड़ी सी वाइड सी, और ये नीचे भी एक टेरेस बना रखा है बैठने के लिए। और यहाँ पर पूरा ब्यूटीफुल सा धनौल्टी का पूरा जबरदस्त वाला व्यू मिलता है। और इस जगह पे देखोगे यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देखो। तो ये सारी हिमालयन रेंजेस दिखनी चालू हो गई है। और भाई ये बर्फ से लदे हुए बड़े बड़े पहाड़ हैं। काफी ब्यूटीफुल सा एक नजारा है भाई, कितना ऑसम लग रहा है देखो। तो भाई मैं ले आया रूम के एंट्रेंस पे, तुम्हें रूम दिखाता हूँ अपना कितना ज्यादा ऑसम था। स्पेस यहाँ पर काफी ज्यादा मिल गया हमें, और एंटर करते ही ना यहाँ पर एक वार्डरोब बना रखा है। और ये काफी कूल सा कॉन्सेप्ट है, देख लो पूरा वुडन का काम, मस्त लग रहा है एकदम। यहाँ लगेज रख सकते हो अपना, यहाँ ब्यूटीफुल सा मिरर अपने आप को मस्त देखने के लिए। इस तरफ है बड़ा सा वॉशरूम, अभी थोड़ा सा कर दिया है उथल पुथल मैंने। बाकी यहाँ स्मार्ट टीवी लगा हुआ है। यहाँ बैठने के लिए देखो इतना बढ़िया अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स काफी कूल है रूम में। और ये सोफा कम बेड है, ये एक बंदे के लिए बहुत बढ़िया जुगाड़ है। इधर देखो, इधर रखा हुआ है टेबल कैटल। इस तरफ छोटा सा एक किचन भी है जहाँ पर गीजर लगा हुआ है और मॉड्यूलर किचन है, तो लॉन्ग स्टे वगैरह भी कर सकते हो यहाँ पे। और ये सुंदर सा प्यारा सा लिविंग एरिया मिल जाता है। और यहाँ पर देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कर्टन्स लगे हुए हैं, विंडोज़ लगी हुई हैं, कांच है, यहाँ से भी व्यू का मजा ले सकते हो। यहाँ पर ये ना विंडो वगैरह ओपन हो जाती है। और अब चलते हैं फटाफट से रूम की तरफ। बहुत ही शानदार और ब्यूटीफुल सा रूम है। मैं ना पर्दे हटाता हूँ ताकि रोशनी आए थोड़ी सी, और ये हटा दिया। अब देखो भाई ये ब्यूटीफुल सा रूम डिज़ाइन किया गया, पूरा वुडन है, क्या कूल लग रहा है, मतलब जबरदस्त। बेड नए नए हैं भाई। बाकी ये जो विंडो बनाई है ना पूरी मिरर की, इससे पूरा का पूरा भाई धनौल्टी का व्यू मिलता है, हिमालयन रेंजेस दिखती हैं। इस तरफ भी मिरर लगा हुआ है, इधर आपको काम करना है तो एक टेबल चेयर भी लगाया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल सा है। और बैल्कनी तो मैंने आपको दिखाया ही था, ये पूरा बैल्कनी है और बहुत प्यारा व्यू। तो कैसा लगा आपको ये होटल? में होटल का जो है ना नाम वगैरह, नंबर वगैरह वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोग यहाँ आओ तो विजिट कर लेना। एक बार बाहर से भी मैं होटल आपको दिखा दूंगा कि कैसे लोकेशन पे है। बाकी फटाफट चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं धनौल्टी। ये इनका एरिया बना रखा है इन्होंने, यहाँ पर आप लोग आके ब्रेकफास्ट कर सकते हो, फूड इंजॉय कर सकते हो विद माउंटेन व्यू, वो भी काफी कूल है। और होटल काफी बड़ा है, छोटा मोटा नहीं, काफी अच्छा है। कुछ ऐसा दिखता भाई बाहर से होटल, और इसका नाम भी यहाँ पर है गोस्ट इज होटल वैली व्यू। और यहाँ मिल जाती है बहुत सही सी पार्किंग, और ये रहा मेन रोड यहाँ धनौल्टी का। अब इस रोड को फॉलो करते हुए हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ, फिर जाएंगे हम इको पार्क, फिर सरकुंडा देवी टेम्पल, और फिर निकलेंगे हम लोग दिल्ली की तरफ। लेकिन हम जाएंगे वाया ऋषिकेश, तो रास्ते में जो पॉइंट्स भी आएंगे वो सब कवर अप करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए भी एक बेस्ट टूर हो जाएगा कि धनौल्टी से अगर दिल्ली जा रहे हो तो क्या क्या कवर कर सकते हो। भाई हम आ गए इको पार्क के पास में, यहाँ पर इसका टिकट काउंटर भी पता करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा बड़ा इको पार्क लिखा हुआ है, 50 रुपीज पर पर्सन की एंट्री टिकट कटा ली हमने। अब जाएंगे सीधा पार्क में, और पार्क के ऊपर है भैया माउंटेन टॉप एकदम जबरदस्त वाला 360 व्यू के साथ, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, ये ग्रीन ग्रीन सा क्लीन क्लीन सा पार्क, और सूरज की रोशनी कितनी बढ़िया आ रही है यार, क्या व्यू है। लग बढ़िया रहा है, और बताया था कि 100 मीटर्स का ट्रैक है, छोटा सा ट्रैक, बड़ा बढ़िया सा ऐसा रास्ता बना हुआ है ट्रैक का, और इसे पार करते ही बहुत ज़बरदस्त व्यू आएगा। लेकिन भाई ये ना बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है और मज़ा आ रहा है। जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं इस तरीके के, मतलब एनिमल्स उनको ना दिख सकते हैं, बर्ड्स या एनिमल्स। सो हेयर इज द धनौल्टी का जो इको पार्क है उसका व्यू पॉइंट, जहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और अच्छा भी है, लाइक नॉर्मल है। और बस इस कुछ माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, और इस तरफ अगर देखो तो कुछ स्पेशल है नहीं देखने को।
कोशिश की अभी हम दोनों ने ना एक्सप्लोर करने की इको पार्क को पूरी तरीके से, तो जो फोटोज वगैरह लगी है ना, लकी बात है कि आपको वो एनिमल्स दिखाई दे दे या बर्ड्स दिखाई दे दे, ऐसा कुछ हमें मिला नहीं। और व्यू की अगर मैं बात करूँ तो भाई हमारे होटल की बैल्कनी से ज्यादा अच्छा व्यू नजर आ रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा था ना, होटल का ज्यादा अच्छा था। बाकी यहाँ से भी ना ये आपको जो ये हिमालयन रेंजेस है वो दिखाई तो देंगी, लेकिन पेड़ पौधे बहुत हैं। अच्छा, फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए तो डेफिनेटली आना वर्थ है, अच्छा लगेगा, बच्चों को भी पार्क में आके मजा आ रहा है। नॉल्टी के इको पार्क से जो सरकुंडा देवी टेम्पल का रास्ता है ना भाई, वो रास्ता अमेजिंग है। मतलब आपको इतने जबरदस्त व्यू मिलेंगे, और रास्ते में अगर आप ड्राइव करते हो और आपको ड्राइव करने में मजा आता है तो डेफिनेटली इस रास्ते पे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आधे घंटे से ऊपर हो गया इसी ट्रैफिक में खड़े हैं, यहाँ पे लोगों ने रोड के साइड में गाड़ी पार्क कर दी है और हमारी लेन जो है वो चली नहीं रही। मतलब अब जाके थोड़ा सा मूव हुआ है, हम जा रहे हैं पार्किंग ढूंढने, क्योंकि हम भी अगर ऐसे ही रोड पे खड़ी कर देंगे तो भैया सबको होगी प्रॉब्लम, तो इसलिए अच्छे नागरिक बन रहे हैं आज हम। गाड़ी पार्क करके फाइनली आ चुके हैं भाई सरकुंडा देवी टेम्पल के मेन जो एंट्रेंस गेट पे। अभी यहाँ से रोपवे के लिए हम लोग जाएंगे, और ये पूरी मार्केट लगी हुई है जहाँ पे पूरा प्रसाद वगैरह मिलता है। फटाफट से देखने रोप वे हमें ऊपर से मिलती है या उस साइड से मिलती है। अभी ये स्टेयर्स यूज करके ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके हमें रोप वे मिलेगी अराउंड 100 मीटर्स के बाद, मिनट की नहीं। जबरदस्त वैली का व्यू मिल रहा है और पूरी मार्केट यहाँ से अमेजिंग दिख रही है भाई। बहुत ट्रैफिक है लेकिन, क्योंकि आज संडे का दिन है और काफी लोग आए हुए हैं। अब ये है मेन एंट्रेंस, यहाँ से जाएंगे और ऊपर रोप वे के लिए आ गए भाई। अभी ना टिकट काउंटर के पास लाइन चेक करो, ये लाइन कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही है मेरे को, संडे होने की वजह से होगा ये भी। मैं तो थक गया, 100 मीटर चढ़ गई, सांसें चढ़ गई। ठीक है लाइन मतलब बहुत लंबी तो नहीं है लेकिन बहुत लंबी है। थोड़ी देर में भाई हम भी टिकट लेके इसी तरीके से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ट्रैकिंग का बिल्कुल मूड नहीं है और टाइम भी नहीं है। यहाँ पर देख लो टिकट प्राइस सामने मेंशन है, और टाइमिंग जो है सुबह 9 बजे से लेकर 4:30 बजे शाम तक है लास्ट। एक बंदे के 205 रुपए लगते हैं आने और जाने के रोपवे से, वो टिकट हमने ले लिए। अब थोड़ा सा नीचे जाना है और उसके बाद फिर रोपवे में बैठ के आराम से जाएंगे ऊपर। इंतजार की घड़ियां समाप्त, हमारा रोपवे आ गया भाई हमें लेने। वो देखो बंदे कैसे भर रहे हैं, चलो चलो सवारियों भर जाओ। चल पड़ी भाई अपनी गाड़ी, अभी हम 6 लोग बैठे हैं टोटल इसमें, मतलब 6 लोगों की कैपेसिटी होती है। ये देखो इधर भाई लोग हैं अपने, ये भी जा रहे हैं दर्शन के लिए, जय माता दी। और इधर मैं हूं भाई, और ये वाला भाई भी है। ये देखो भाई व्यू चेक करो यार, यहाँ से काफी अमेजिंग व्यूज आ रहे हैं, मतलब ड्रोन उड़ाने की जरूरत ही नहीं है। आई मीन मस्ट शॉट। फाइनली आउट ऑफ रोप वे, और अब 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँच जाएंगे मंदिर पे। घंटियों की आवाज़ आना भाई चालू हो चुकी है और बहुत करीब है टेम्पल के। लेट मी शो यू, ये देखो मंदिर की बेल की आवाज़ आई, बस पहुँच गए। इधर बनाए हुए जोड़ा घर, लेकिन बाहर भी रख दिए हैं हमने भी, अभी बेसिकली इसी के ऊपर रख दिया है अपने शूज़ वगैरह। और अब हाथ धोएंगे यहाँ पे, हाथ धोने के लिए पानी वगैरह भी रखा हुआ है, नल भी लगा हुआ है, धो के अंदर चलते हैं। जय माता दी। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल टेम्पल है भाई, क्या लग रहा है। और लाइन चेक करो संडे की वजह से, चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। इतना सुंदर टेम्पल, मतलब इतनी हाइट पे टेम्पल है और इतना ब्यूटीफुल है, लग रहा है आसमान के बीचों बीच है। बहुत प्यारा, बहुत अच्छे व्यूज है यार, परफेक्ट है एकदम।
51 शक्ति पीठ में से एक है। तो सामने है माता और इधर बैठे हैं हमारे महादेव। इस टेंपल के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीन पॉज करके आराम से रीड कर सकते हो। और इसके पीछे से पूरी हिमालयन रेंज जो है ना, कैमरे में दूर लग रही है लेकिन जब आंखों से देखोगे तो बहुत जबरदस्त और ब्यूटीफुल दिखाई देने वाला है। और इधर भाई तरह तरह के टेम्पल है, यहाँ पर माता रानी की ज्योत जल रही है, इधर मेन माता रानी का टेम्पल है और उस तरफ बिल्कुल सामने अपोजिट बिल्कुल महादेव बैठे हुए हैं जो कि मैंने आपको दिखाया। और उस तरफ ये जो दिख रहा है सामने की तरफ, यहाँ भभूति मिलती है। हम लोग यहाँ पे रोपवे से आए और आप लोग यहाँ पे 2.5 किलोमीटर का ट्रैक भी करके आ सकते हो। स्टीप है एकदम, ऐसे खड़ी वाली चढ़ाई, तो करना चाहो तो कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी भी नहीं है लेकिन मुश्किल है। 2.5 किलोमीटर भी काफी थका देने वाला है। अब हम पहुंच गए, हम दर्शन करके वापस जाने वाले भी रोपवे से ही हैं और चार्जेस मैंने आपको बता दिए थे, ऑप्शन आपके हाथ में है। टेंपल के बैक साइड में, मतलब ये देखो, ये टेंपल का बैक साइड है, यहाँ से सीढ़ियां आई है और नीचे उतर जाओगे तो एक छोटी सी कैंटीन एरिया बना रखा है। यहाँ पर खाना वाना आराम से, मतलब मैगी ही बेसिकली पहाड़ में वही मिलता है, वो खा सकते हो भाई। दर्शन हो गए टेम्पल के बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं हुई, एकदम मजा आ गया क्योंकि रोपवे ने साथ दिया ना पूरा पूरा, थकावट बिल्कुल नहीं हुई। 51 शक्ति पीठों में से एक टेम्पल है ये, तो सरकुंडा देवी टेम्पल आप भी जरूर विजिट करना क्योंकि धनौल्टी में ना बेसिकली एक या दो ही और अब ये जो रास्ते हैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं और थोड़े से डेंजरस भी हैं, और इन रास्तों को पार करते हुए हम लोग जाएंगे कानाताल होते हुए ऋषिकेश की तरफ और उससे आगे दिल्ली। मैंने पहले भी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी बट अभी आपको थोड़े रास्ते दिखाता हूँ कि कितना ज्यादा ब्यूटीफुल जो है वो रास्ता होने वाला है। अभी हम लोग कानाताल क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम लोग रुके हुए हैं मैगी खाने के लिए। और मैगी खाने का जो पॉइंट है ना भाई, वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, ये चेक करो। और फॉग जो है वो अब दिखनी चालू हो गई, लेकिन ये व्यू जो है हर जगह मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत प्यारा। और थोड़ी देर में शायद सनसेट भी हो जाएगा तो और ब्यूटीफुल लगेगा।